नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29, 30 और 31 जनवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। 29 जनवरी के दिन आप अंतर्मुखी व्यक्ति की तरह से बिहेव करेंगे। आप अपने जीवन के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अपने मार्ग को खुद तलाशने की कोशिश करेंगे। 29 जनवरी के दिन आप गंभीर व्यक्ति की तरह से बिहेवियर करेंगे। आपके द्वारा सोचे गए विचार या आपके द्वारा लिए गए निर्णय कई बार आपके जीवन की रूपरेखा व दिशा को बदलने के लिए भी पर्याप्त होंगे। 30 जनवरी के दिन आप धन के प्रबंधन पर अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। इसके अलावा आप इन बातों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि आपको और ज़्यादा धन कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अपने आप को और ज़्यादा आगे ले जाने की महत्वाकांक्षा इस दिन जन्मेगी और आप स्वयं को साबित करके दिखाने के लिए लालायित भी रहेंगे। 30 जनवरी के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने धन के प्रबंधन के समय आप उन लोगों से सलाह न लें जिनके द्वारा लिए गए सलाह से आपको पिछले समय में नुकसान हुआ था। इसलिए बेहतर होगा कि अपने विवेक से निर्णय लें। 31 जनवरी का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बुरा क्यों नहीं है, क्योंकि ये दिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। जो परिवर्तन आपके जीवन में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ कारणों से ये टलते चले आ रहे थे और इन परिवर्तनों की वजह से आपके जीवन के कुछ अध्याय समाप्त होंगे। आपके जीवन में कुछ उथल पुथल भी होगी और बुरा ये है कि आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैंने कहा पड़ सकता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि सचमुच में पड़ेगा। यानी उनके स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या नहीं थी तो कोई समस्या नहीं होगी, और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो वहाँ पर आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए केवल 30 जनवरी का दिन बढ़िया है, 29, 31 अच्छे नहीं है, जबकि व्यापार की दृष्टि से 29 और 30 अच्छे हैं, 31 अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 29, 30 और 31 जनवरी के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।